हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, मैं रविकांत सिंह आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम लोग काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं और हम क्लास 11 का फिजिक्स स्टार्ट किए हैं और बेसिक मैथमेटिक्स अभी हमारे चल रहे हैं, तो आज हम लोग उसी टॉपिक उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। और आज हमारी मोस्ट प्रॉब्लम है कि लास्ट क्लास होगी, फिर इसके बाद हम लोग वैक्टर में एंटर करेंगे। तो आज की टॉपिक में हमारा जो है वो पढ़ना है हमको इंटीग्रेशन। जैसा कि प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, इट इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट जो होता है उसको इंटीग्रेशन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझाऊं तो क्या होता है, जैसे वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ds / dt होता है। ये फंक्शन मान लिया t में दिया हुआ है, ये क्या है वेलोसिटी। तो इसको हम लोग अगर इंटीग्रेशन में लिखना होगा, ये डिफरेंशिएशन में लिखा ना, डेरिवेटिव के टर्म में लिखा, अगर हम इसको इंटीग्रेशन के टर्म में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, s इज इक्वल टू यहां डेरिवेटिव था, अब ये इंटीग्रेशन हो जाएगा v dt, v की वैल्यू उठा के रख दिया, अब ये इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको ये मिलेगा, अभी इंटीग्रेशन में बताऊंगा आपको दिस। और इसके आगे क्या होता है, एक कांस्टेंट टर्म हम लोग ऐड करते हैं, प्लस c, कोई भी एक कांस्टेंट हम लोग ऐड कर देते हैं। तो यहां से एक चीज हमको समझ में आई कि इफ द डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू x इज स्मॉल एफ एक्स, अगर कैपिटल एफ एक्स का डेरिवेटिव जो है x के रिस्पेक्ट में स्मॉल एफ एक्स है, तो इसका मतलब है देन द एंटी डेरिवेटिव, इसका मतलब एंटी डेरिवेटिव जिसको हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं, इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स स्मॉल एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा कैपिटल एफ एक्स आएगा। मतलब अगर कैपिटल एफ एक्स का डेरिवेटिव स्मॉल एफ एक्स है, इसका मतलब है कि स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, कैपिटल एफ एक्स प्लस सी आएगा, यही हमारा इंटीग्रेशन है। ठीक है, ये हमारा इंटीग्रेशन है, उसी चीज को हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें एक फंक्शन मिलेगा और उसके बाद एक कांस्टेंट हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। ठीक, नोट कीजिए फिर आगे बात करते हैं। अब देखिए इंटीग्रेशन तो हमने देख लिया, अब एक और आता है कि डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या होता है। डिफरेंट का मतलब हो गया उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अभी तक हमने इंटीग्रेशन साइन बनाया था और एफ एक्स डीएक्स लिखा था, अब इसी इंटीग्रेशन साइन में क्या होगा, हम लिमिट अप्लाई कर देंगे ए टू बी। तो ये क्या हो जाएगा, जो हमारा एफ एक्स प्लस सी आ रहा था अब यहाँ पे सी टर्म नहीं आएगा, और एफ एक्स जो आ रहा था वहां पे एक बार अपर लिमिट रखेंगे एफ बी और माइनस लोअर लिमिट रख देंगे, एक्स की जगह एक बार अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, जो वैल्यू आएगी वो हमारी इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी, बेसिकली ये वैल्यू आएगी, अभी तक क्या था वो फंक्शन आता था। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट टर्म नहीं आएगा। ठीक, यहाँ पे ए क्या कहलाता है, हमारा लोअर लिमिट कहलाता है, और बी क्या होता है, अपर लिमिट कहलाता है। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, इस इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, तो ए टू बी एफ एक्स डी एस का मतलब होता है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, जो भी कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स दिया है वो एरिया कितना बाउंड कर रहा है, किसमें, द एक्स एक्सिस के साथ, द लाइंस एक्स इक्वल टू ए एंड इक्वल टू बी, एक्सपल टू ए लाइन एक्सपल टू बी लाइन और एक्सिस के बीच में कितना एरिया कवर कर रहा है, उसी को बताता है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डीएक्स। जैसे मान लिया एक हमारा कर्व है वाई इक्वल टू एफ एक्स का, एक कर्व दिया हुआ है, ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है, तो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डीएक्स क्या बताएगा, इसके बीच का पूरा एरिया, इस एरिया को कौन डिनोट करेगा, इस एरिया को इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डीएक्स डिनोट करेगा। ठीक है, तो बस बेसिक मैं आइडिया को दे रहा हूं क्योंकि हमें बस बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इंटीग्रेशन की, जैसे फॉर्मूले पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा डीप में हमें नहीं जाना क्योंकि फिजिक्स में हमें बहुत ज्यादा डीप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, नोट कीजिए मैं फॉर्मूले बताता हूँ। देखिए क्या है कि हमें इंटीग्रेशन अगर करना है तो हमें बेसिक जो फॉर्मूले होते हैं वो हमको पता होना चाहिए, तो ये सर्टन फॉर्मूले लिखे गए हैं जो डेरिवेटिव के जस्ट अपोजिट है। अगर x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x पावर n प्लस 1 / n प्लस 1, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन बी पावर एक्स होता है, इंटीग्रेशन बी वन अपॉन ई पावर एक्स होता है, ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए के पावर एक्स लॉग ए होता है, ए के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए के पावर एक्स अपॉन लॉग ए हो जाएगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स,
इस तरीके से फॉर्मूले लिखे गए हैं, ये बेसिक फॉर्मूले हैं, इन्हें आपको पता होना चाहिए। सबका प्रूफ है, लेकिन हम प्रूफ पे नहीं जा रहे हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बाकी फिर हम लोग जब क्वेश्चंस कहीं आएगा आगे जब पढ़ेंगे तो वहां पे थोड़ा सा इसका इंप्लीमेंटेशन हम लोग करेंगे। और हमें फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, अगर आपको इंटीग्रेशन बेसिक इंटीग्रेशन करना है तो आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। इसलिए कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले बहुत सारे हैं, लेकिन मैं कुछ बेसिक फॉर्मूले लिख दिया हूं जिसका बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, तो ये नोट कर लीजिएगा। फिर हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जिसमें इनको इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी, ठीक, नोट कीजिए। ये देखिए, हम दो छोटे क्वेश्चंस ले रहे हैं, डिफरेंट और इंडिफरेंट दोनों साथ लेके चल रहे हैं। जैसे क्वेश्चन कहता है कि इंटीग्रेट करना है 5x³ + x² dx को इंटीग्रेट करना है। हमने बताया था कि हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है इंटीग्रेशन x^n dx = xn+1/n+1 + c, यही सी फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिएगा इसको इंटीग्रेशन क्या करेंगे, 5 कांस्टेंट है बाहर ले लिया, x³ dx + इंटीग्रेशन ऑफ x²dx, ठीक। अब देखिए x³ का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, x⁴/4 + इसका हो जाएगा x³/3, एक कांस्टेंट जुड़ गया c, अगर इंटीग्रेशन। अब जब यही डिफरेंट में हमें करना होता है, हमने क्या किया, बस इंटीग्रेशन करते चले जाइए, जैसे इंटीग्रेशन x³dx -2 इंटीग्रेशन x dx, ठीक है, लिमिट लगा दीजिए 1 to 2 और 1 to 2। अब देखिए x³ का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁴/4। अब यहाँ पे लिमिट को ऐसे रखते हैं, अप्लाई करते हैं -2 और इसका हो जाएगा x²/2 लिमिट 1 to 2। यहाँ पे कोई c नहीं आता, ये ध्यान रखिएगा। अब ये हो जाएगा 2⁴/4, तो मतलब 2⁴ हो गया 16/4 माइनस 1⁴/4 1/4, ये इसकी वैल्यू आ गई, माइनस 2 इसकी वैल्यू हो जाएगी 4/2 माइनस 1/2, तो ये हो गया 15/4 3/2 मतलब -3, तो 3/4। हमने बताया था डेफिनेट इंटीग्रेशन से आपको वैल्यूज मिलती है, लेकिन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से आपको क्या मिलता है, एक फंक्शन मिलता है। टी हमारे उस तरीके थे, एक दो क्वेश्चन सॉल्व लेते हैं, नोट कीजिए। चलिए अभी कुछ क्वेश्चन हमने लिए हैं, अब इसमें क्या है, इसमें सब्स्टिट्यूशन का यूज करना है। हम लोग नॉर्मल डायरेक्ट इसका फॉर्मूला नहीं जानते इंटीग्रेशन का, हम लोग यहाँ कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो ln x/x है, अब यहाँ पे हम लोग वो ढूंढना होता है कि उसका सब्स्टिट्यूशन ऐसा करना है कि उसका डेरिवेटिव हमें मिल जाए। जैसे यहाँ पे क्या है, अगर हमने ln x को t माना, ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x dx = dt होगा। इसी में क्या होगा, 1/x dx की जगह क्या रखेंगे, dt रखेंगे, और ln x की जगह क्या रखेंगे, t। अब ये फंक्शन हमारा ओरिजिनल क्या हो गया, t dt। अब हमारा प्रीवियस वाले फॉर्मूले पे हो जाएगा, ये हो जाएगा t²/2 + c। अब t की वैल्यू उठा कर रख दीजिए, ln x² / 2 + c, ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। अब जैसे ये आ गया इंटीग्रेशन tan x, अब tan x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट हम लोग को याद है, लेकिन हम लोग अगर मान ली करना हो तो कैसे करेंगे, अब देख लेते हैं। तो इसको इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे sin x / cos x, ठीक है। जब हमने sin x / cos x लिख लिया, तो sin x का डेरिवेटिव cos x है, लेकिन वो डिनोमिनेटर में है, तो उसको नहीं लेंगे, हम लोग लेंगे cos x, हमने t लिया, तो ये हो जाएगा -sin x dx = dt। तो sin x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, -dt, ठीक। अब देखिए sin x dx की जगह क्या आएगा, dt आएगा, और cos x की जगह t आ जाएगा, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, -1/t dt। अब देखिए 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln t, तो -ln t, अब t की वैल्यू रख दीजिए, प्लस c कर दीजिए, -ln t की वैल्यू क्या थी, cos x + c। अब इसको आप ये भी लिख सकते हो, इस माइनस को इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, cos inverse क्या होता है, sec x, इसको ये भी लिख सकते हैं ln sec x + c, ये भी सही है, ये भी सही है, सॉरी sec x अंदर रहेगा और प्लस c बाहर रहेगा,
ठीक। एक और देखते हैं, अब जैसे इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x, अब tan स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन में नहीं पता है, हम क्या करेंगे, कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अब सब्स्टिट्यूशन कहां से आएगा, वो हम जब हम शुरुआत किए थे तो वहां मैंने कुछ आपको आइडेंटिटीज लिखवाई थी, तो क्या था कि 1 + tan² x = sec² x, यहां से tan स्क्वायर x की वैल्यू निकाल लीजिए, tan स्क्वायर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, sec² x - 1। अब हम यही वैल्यू रख देते हैं, अब ये हो जाएगा sec² x - 1 dx। अब हमने क्या किया, ब्रेक कर दिया, sec² x dx - 1 dx। अब sec² x का इंटीग्रेशन हमें पता है, फॉर्मूले से पता है क्या होता है, tan x - x, ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया। एक और देखते हैं, जैसे यहां पे भी क्या करता है, cos² x का इंटीग्रेशन करना है। अब cos² x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। अब cos² x के फॉर्मूले दिए, दिमाग में याद रखिए क्या क्या आते हैं, तो cos² x का फॉर्मूला हमें पता है, क्या क्या हम लोग जानते हैं, 1 - 2sin²x, 2 cos² x - 1। देखिए हमें cos² x की वैल्यू चाहिए, तो यहां से वैल्यू उठा लीजिए, यहां से क्या हो जाएगी, cos² x की वैल्यू निकालिए, ये बन जाएगा प्लस हो जाएगा 1 + cos²x / 2। अब हम यहां वैल्यू ये पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 + cos²x / 2 dx। तो देखिए ये 1/2 अलग किया, तो 1/2 के साथ क्या आएगा, x आएगा, प्लस 1/2 और cos²x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin²x, और x का कहां कोफिशिएंट जाता है, डिनोमिनेटर में जाता है, और ये प्लस ही आ जाएगा, ये हमारा इसका इंटीग्रेशन है। ठीक है, नोट कीजिए, फिर कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। अब देखिए क्या है बच्चों, कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसको आपको पता होना चाहिए। जैसे अभी हमने बताया कि इंटीग्रेशन ऑफ एफएक्स डीएक्स क्या होगा, वो एक एक्स का फंक्शन आएगा प्लस सी आएगा, ठीक, जीएक्स प्लस सी आएगा। तो अगर मान लिया ये फंक्शन एक्स चाहिएगा एएक्स प्लस बी हो, इस टाइप का लीनियर हो, तो अगर लीनियर होगा तो क्या होगा, ये जो फंक्शन आएगा जी वो भी लीनियर होगा, लेकिन जो एक्स का कोफिशियंट होगा ऊपर वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 2 का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हमको करना है, ठीक है। एक तो तरीका है होल स्क्वायर खोल दीजिए फिर इंटीग्रेट कर लीजिए, दूसरा तरीका है कि इसको मान लीजिए ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³/3, तो आप लिख लो 3x + 2³³, ठीक। और x का जो कोफिशिएंट है वो क्या आएगा, 3, वो जो कहां जाएगा डिनोमिनेटर में, 3 नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा इसका आंसर है। तो इस प्रॉपर्टी का ये यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। अब क्या कहता है कि अगर एक हमारे पास ऐसी ऐसा कुछ इंटीग्रेशन हो जिसमें f(g)x किसी फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना है और इसका डेरिवेटिव इसमें मौजूद है, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इस जीएस को हम लोग टी मान लेंगे, हमारा फंक्शन हो जाएगा जीएस, तो जैसे टी मानोगे g'(x)dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, इसका मतलब ये फंक्शन हो जाएगा ft dt। अब इसको इंटीग्रेट करना हमें पता है, ठीक है। ऐसे ही अगर f'(x)/fx है, मतलब डेरिवेटिव ऊपर है और फंक्शन नीचे है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, हम इस f को t मानेंगे, उसका डेरिवेटिव और dx बनके dt हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, ln x, क्योंकि 1/fx को t माने 1/t dt, तो इसका मतलब ln t हो जाएगा, ln f(x) + c, ठीक। अब क्या होता है, अगर मान लीजिए दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो, जैसे हमने वहां पे डिफरेंशिएशन में पढ़ा था कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट होते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन
प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यहां पे क्या पढ़ते हैं कि फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डीडीएक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला है। हमें दो फंक्शन का फॉर्मूला पता है, बस खाली हम दो फंक्शन का प्रोडक्ट मिल रहा है तो हम इसको इस फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे और इंटीग्रेट कर लेंगे। बस यहाँ ये है कि यहाँ पे दो बार इंटीग्रेशन होगा, एक बार इसके साथ फिर इसके बाद एक बार इसके, ये दो बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको हम लोग याद रखेंगे कि ln x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x ln x plus c, x ln x minus x plus c, ये याद रखेंगे। प्रूफ भी है लेकिन हमें प्रूफ की जरूरत नहीं है, बस हमें याद रखना है कि ln x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x ln x minus x plus c, ठीक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कंपटीशन में इस पे बेस्ट क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ये कहता है कि अगर कोई फंक्शन है e के पावर x इंटीग्रेशन में है, e के पावर x और फंक्शन और उसका डेरिवेटिव एक साथ मौजूद है और उसका इंटीग्रेशन भी करना है, तो हम सीधे क्या आंसर लिख देंगे, e के पावर x fx, e के पावर x fx आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। नोट कीजिए, एक दो क्वेश्चंस करते हैं फिर आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन कहता है जो फॉर्मूले लिखे उसी पे बेस्ड है, जिससे यहां पे दिया इंटीग्रेशन 3x + 19 होल पावर 10 dx। अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा उसके हिसाब से इंटीग्रेशन करना होगा, तो लीनियर के पावर 10 है तो आप क्या करोगे, लीनियर के पावर एक बढ़ा दिया 11 अपॉन 11 और लीनियर x का कोफिशिएंट क्या है 3 और अपॉन 3 नीचे कर दिया प्लस c कर दिया, सीधे आंसर आ गया, ठीक है। अब यहां पे देखा कि यहां पे किस टाइप का फंक्शन दिया है, e की पावर में लीनियर है, आप समझ लो कि ये x है, e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e के पावर x ही होता है इनटू लीनियर है, तो लीनियर में x का कोफिशिएंट क्या है -2, वो कहां चला जाएगा डिनोमिनेटर में, प्लस c आंसर आएगा। एक लाइन में आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक। अब यहां देखो ये क्या है, अब यहां पे फॉर्मूले में रिमाइंड करो कि मैंने बताया था 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर या x स्क्वायर प्लस 1 ये होता है dx, ये क्या होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x y, ठीक है। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे एक जगह क्या है 2 है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x by, ये हमारा आंसर है, ठीक। यहां पे देखा जाए, अब यहां पे देखो तो आपको चीज समझ में आएगी कि x क्यूब है x की पावर 4 है, इसका डेरिवेटिव का वक्त क्या आएगा, e के x की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होता है, n x के पावर n माइनस 1 ना, तो 4x क्यूब आएगा, इसका मतलब 4 हटा दो तो x क्यूब यहां पे डेरिवेटिव मौजूद है। ये इस टाइप का फंक्शन दिखाना f of gx into g dash x, इस टाइप का डेरिवेटिव दिखाना, हम लोग क्या करेंगे इस gx को t मान लेंगे, तो कौन से किसको t मानना पड़ेगा, यहाँ पे x की पावर 4 को हमने t माना, तो यहाँ से x cube dt is equal to x cube dx is equal to dt by 4, तो x cube dx की जगह क्या जाएगा dt by 4 और x पावर 4 को t मानेंगे, 1 upon 4 integration e के पावर t dt, अब e के पावर t का integration e पावर t होता है, t की वैल्यू रख दीजिए e के पावर x पावर 4, कितना आसानी से आ गया हमारा। अब यहां देखा जाए ये दिया है डिफरेंट इंटीग्रेशन है, यहां कहता है sin x का इंटीग्रेशन कीजिए 0 टू पाई बाय 2, लिमिट हमें मिली हुई है, तो हम लोग क्या करते हैं sin x का इंटीग्रेशन में पता है क्या होता है -cos x, sin x का -cos x होता है, अब यहां पे लिमिट अप्लाई कर दिया 0 टू पाई बाय 2। अब लिमिट अप्लाई करने का तरीका मैंने क्या बताया, पहले आप इस पे रखोगे cos पाई बाय 2 माइनस माइनस cos 0, ठीक है। अब यहां माइनस cos पाई बाय 2 0 होता है, ये माइनस प्लस हो गया 1 आ गया, इसकी वैल्यू आगे बढ़, ठीक है। तो ये हमारा क्या था इंटीग्रेशन, तो मेनली नोट कर लीजिएगा, मेनली हमारा उद्देश्य क्या है इंटीग्रेशन में, क्या है कि आपको फॉर्मूले अगर पता है तो आप क्वेश्चंस को करते चले जाओगे,
फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। मेनली बहुत ज्यादा अगर फिजिक्स की बात करें तो वहाँ बहुत ज्यादा हमें डीप मिलेगा कि इंटीग्रेशन नहीं पूछेगा, हमें फॉर्मूले वाले टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। फॉर्मूला पता है तो आप इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हो। हाँ, मैथ में अगर बात करूँ तो मैथ में बहुत डीप मिलेगा क्वेश्चन पुट करेगा, लेकिन अगर हम तो यहाँ फिजिक्स के लिए पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में हमें बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन की बहुत डीप में नॉलेज की जरूरत नहीं है। हमें क्या है कि बस फॉर्मूले पता होना चाहिए, अप्लाई करने आना चाहिए, तो हम सारे क्वेश्चंस करते चले जाएंगे। तो अब क्या होगा कि मैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन में एक और शीट प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। उसमें थ्योरीज भी अवेलेबल होंगी, सारी चीजें मिलेंगी आपको, तो एक बार उसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो इससे क्या होगा, आपका जो भी मैंने मैथमेटिक्स में पढ़ाया वो आपको क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इससे आपको आगे जो फिजिक्स में हम लोग मैथ का थोड़ा टर्म यूज करने वाले हैं उससे आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो आज ये हमारा बेसिक मैथमेटिक्स यहीं पे खत्म होता है। अब हम लोग आगे जो स्टार्ट करेंगे वो हमारा होगा वेक्टर, और वेक्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। बिना वेक्टर के आप पूरी फिजिक्स आपके लिए समझ लीजिए जीरो के बराबर है। तो वेक्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा हम लोग को, और मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, ए टू जेड आपको एक्सप्लेन करूंगा, हर एक चीज, कोई भी चीज छूटेगी नहीं मेरे से, ठीक है। तो आपका परम कर्तव्य ये है कि आप एक चीज नोट डाउन कीजिएगा, उसको दो बार तीन बार चार बार पढ़िएगा, ताकि वो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया वेक्टर का, वेक्टर आपको हमेशा काम देगा, जब तक आप पढ़ाई करोगे तब तक काम देने वाला है, ठीक है। तो बस आज की क्लास में बस इतना ही, फिर अगर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं तो वेक्टर के साथ मिलेंगे, और वेक्टर स्टार्ट करके वेक्टर की पढ़ाई करेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, थैंक यू।